देखिएगा इसमें थोड़ा सा मिसिंग क्योंकि यहाँ पे दिक्कत फिर आई है, इसलिए थोड़ा सा इसको पहले पढ़िए अच्छे से, मिसिंग भी आई है ये। दिख रहा है क्या? दिख रहा है जरा बताइए आप लोगों को। ये सर दिख रहा है तो दिख रहा था एकदम, दिख रहा है ना? चलिए ठीक है, चलिए बताइए, पढ़िए अच्छे से। वैसे मैं 2015 का नहीं दिख रहा है, बस 2015 का नहीं दिख रहा है, 40 अच्छा 15 का नहीं दिख रहा है, तो 50 मैं देख रहा है, मैं इसीलिए चेक कर रहा हूँ ना क्या दिक्कत है, रुक जाइए। चलिए 2015 लिख लीजिएगा, 2015 का लिख लीजिएगा, 2015 का लिख लीजिएगा। इसका दे रखा है टोटल नंबर ऑफ जो वोट है 2500 है, टोटल नंबर ऑफ वोट कितने दिख, मैं लिख देता हूँ 2015 का जो है टोटल नंबर ऑफ जो वोट है 2500 है, और आपका जो 40% जो है वैलिड वोट है आपका, ठीक है, कितना दिख गया। चलिए बताइए, चलिए पहले क्वेश्चन बताइए सभी लोग, क्या दे रखा है? कह रहा है कि 2013 में इफ द नंबर ऑफ वैलिड वोट ऑफ फीमेल वॉज 100, वैलिड वोट जो फीमेल का था 100 था, व्हाट वाज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वैलिड वोट ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ एंड नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल इन द सेम ईयर। ये बताइए, अगर 2013 की बात की जाए, कनक गुप्ता हमको ये बताइए कि 38 जो परसेंट है टोटल वैलिड है, तो टोटल जरा बताइए 1000 आपके पास टोटल वोट थे, अगर 38% वैलिड है कितने नंबर ऑफ वोट वैलिड हो जाएंगे? 380। टोटल आपके, टोटल आपके 380 जो आपके क्या हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे। इसमें जरा बताइए, अगर आपके 100 फीमेल वैलिड हैं तो मेल कितने वैलिड होंगे? 280। 280 क्योंकि फीमेल आप बोला 100 वैलिड है तो मेल आपके हो जाएंगे 280। क्या पूछा जरा बताइए, तो किसे फाइव, हाँ मेल और इसका पूछा है, तो देखते ही आंसर आ जाएगा 280/100 करेंगे, तो यहाँ 0-0 कैंसिल होगा, 14:5 क्या जाएगा, 14:5। किसी को कोई डाउट जरा बताइए इसमें, तो किसी कोई डाउट है, चला चला जाए। किसको बताइएगा, 15 का याद ही है आपको ना, और 40%। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को, द टोटल नंबर ऑफ वोट इंक्रीज बाय 50% फ्रॉम 2012 टू 2016, इफ 16% ऑफ दी वोट्स वर वैलिड इन 2016, व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट इन 2016, बताइए। तो 16 का भी डेटा है क्या इसमें? 16 का डेटा ही नहीं है, 16 का डेटा नहीं है, सिर्फ 15 तक का है, मिसिंग डी आई 120 सर, 120। हाँ और कोई बताए, आप ये बताइए, देखिए सोचे, देखिए मिसिंग डी आई में क्या कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है कि 2012 में कह रहा है कि जितना भी आपका वैल्यू करता हूँ टोटल नंबर ऑफ वोट जो इंक्रीज कर गया 50% फ्रॉम 2012 से 2016 तक, मगर आपसे पूछे 2016 में टोटल वोट कितने होंगे, बताया कितना होंगे, अगर 2012 में आपके 500 है कि 500 है कि ये 5000 है, ये 500 है, ठीक है, जरा बताइए 50% इंक्रीज करेंगे कितने हो जाएंगे, ये 750 है। अब ये 2016 में टोटल वोट हो गए, आपसे पूछा क्या इसका वैलिड पूछा ना, तो कितना इसका वैलिड है जरा बताइए, 16% कितना आ जाएगा, सुनिए निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, 120 सर, 120 आप सवाल करेंगे 120 आ जाएगा, कितना जाएगा 120, सबका आ गया जरा बताइए, सबका आ गया है, आ जाएगा 120। कुछ नहीं करना, 750 का 16% निकाल लीजिएगा, 20% आपका 120 आंसर आ जाएगा। चलिए आराम से करते जाइए, इसको बताइए, इफ द एवरेज नंबर ऑफ वैलिड वोट इन 2012 एंड 2015 वाज 635, व्हाट वाज द नंबर ऑफ वोट्स गिवन बाय फीमेल इन 2012 और 15 की बात कर रहा है, 15 जरा बताइए क्या था, क्या लिखे थे हम, कितना था टोटल नंबर ऑफ वोट, 2500 और 40%। चलिए
बताइए कनक गुप्ता जी, आप बताइए 2012 और 15 में कुल मिलाकर 635 वैलिड हैं, और 2000 हमको बताइए कि 50 में कितने वैलिड वोट हैं, जरा बताइए जल्दी से बताइए हमको। 270 आंसर होगा। 2000 में 15 में कितने वैलिड वोट हैं बताइए, 40% हैं, 2500 का 40% कितना होगा, 1000 जो आपके टोटल वैलिड वोट हो गए, आपके हो गए 2015 में, तो जरा बताइए। अच्छा ये बताइए, यहाँ से एक बात बताइए, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये आपको एवरेज दे रखा है, क्या दे रखा है, एवरेज। तो ये अगर ये एवरेज 635 है तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे जरा बताइए, 1270 हो जाएंगे, जिसमें से आपके 1000 कहाँ पे वैलिड है, 15 में, तो 12 में कितने वैलिड हो जाएंगे, माइनस कर दीजिए 270। ये तो आपका आया कि वैलिड, आपसे पूछा क्या है, 120 होगा सर, 120 आंसर। नहीं नहीं, कैसे 120, 270 सही है, रुक जाइए, हाँ अभी रुक जाइए, आगे बात चल रही है ना, व्हाट वाज द नंबर आंसर सर, 5:4 में दिया हुआ है ना, बिल्कुल बिल्कुल आगे चल रहे हैं, व्हाट वाज द नंबर ऑफ वोट्स गिवन बाय फीमेल इन 2012, फीमेल ने 2000 वहां पे कितने होंगे, कहां गया 2012 जरा बताइए, अब आप देख लीजिए तो बहुत ही आसान है, 5:4 का रेशियो है, क्या है 5:4 का रेशियो, जरा बताइए फीमेल कितनी होगी यहाँ पे, निकाल लीजिए 9, टोटल कितना है यहाँ पे 120, 9 की वैल्यू 270, 9 की वैल्यू 270, 1 की 30, 4 की 120। एक बात और बताना है मैं चाहूंगा, दिमाग थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा क्या था, अब ला व्हाट वाज द नंबर ऑफ वोट गिवन बाय फीमेल, यही पूछा था आपसे, जब आपसे फीमेल पूछा है तो आप जाहिर सी बात है आंसर क्या होना, लास्ट में क्या आएगा आंसर क्या होगा, 4 का मल्टीपल, हाँ, तो ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये आंसर हो जाता डायरेक्ट। तो अगर आप ऑप्शन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप देख लीजिए, हम ध्यान नहीं दिए ना, लेकिन ये एक क्वेश्चन कितने सेकंड में लग जाता है जरा बताइए, कितने लग जाता है, 5 सेकंड में, हाँ 1 सेकंड, 5, तो फोकस जरूर किया करिए ऑप्शन, और जो लोग आंख बंद करके जाएंगे, और DI बहुत टफ आई थी, फिर वही कहानी चलेगी, DI टफ आई थी, एग्जामिनर देख कितना अच्छा से पेपर था, डायरेक्ट इसीलिए किया है, पेपर था, हाँ लेंदी पेपर नहीं था, अब देखिए 400 हम लोग देखे नहीं, और आंख बंद करके शुरू किए निकालना, 12 में से एवरेज इतना, टोटल इतना, 10 इतना, 20 इतना, 30 इतना, है ना, जब आंख बंद कर लेंगे तो फिर क्या होगा, पेपर लेंदी हो जाएगा सर, हाँ तो क्या कल, तो कल के अगला दिन जो आएगा 3 तारीख को आंख मत बंद करिएगा, पूरी पूरी खुली रखिएगा, अच्छे से होके जाइएगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से एक मिनट के अंदर बताइए इसको, 2014 में डिफरेंस दिया बिटवीन द वैलिड वोट्स ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ वैलिड ऑफ द फीमेल वाज 150, बताइए 14 कहाँ पे है, दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है कि बताइए, 15 दिख रहा है क्या, 14 मैं बता रहा हूँ, 14 का आप देख लीजिए कि 60%, देखिए 14 में आपको टोटल वोट नहीं दिया है, सबसे पहली बात 14 में टोटल वोट नहीं दिया है, 60% जो वैलिड वोट है 14 में 60% आपके वैलिड वोट हैं, ध्यान दीजिएगा वैलिड वोट हैं, टोटल वोट आपको नहीं दिया है, ठीक है, और जो रेशियो दे रखा है मेल और फीमेल के वैलिड होने का, वो दे रखा है आपको यहाँ पे, मैं लिख दे रहा हूँ 7:5, बताइए सभी लोगों, अब बताइए क्वेश्चन लिख उठाना, बताइए सेकंड ऑप्शन 1500 सर, बताइए पूछा क्या था, टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन 2014, एक हाँ बताइए 1500 कैसे लगाए सर, 12 का मल्टीपल आ रहा है सर, समझ गया था मैं, इसी से लगा होगा 12 का मल्टीपल, और कोई नहीं आ रहा है क्या, और भी आ रहे हैं, नहीं आ रहा है, सही कह रहे हैं, देखिए देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, देखिए 75 का टोटल पूछा है ना 14 का, और टोटल क्या आएगा 12 का मल्टीपल, 12 मतलब 4 और 3 दोनों से कैंसिल होना चाहिए, देखिए 6 12 मतलब क्या 4 और 3 दोनों से, तो ना तो आपका 3 से ये हो रहा है, ना तो 3 से ये हो रहा है, ना तो 3 से है, अब 4 की रही बात, 4 का देखिए 4 से ये हो जा रहा है लेकिन 4 से ये नहीं हो रहा है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1500, बात समझ में आ गई, तो 1500 सॉल्व भी कर ले जाएंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे नहीं जरा बताइए, हो जाएगा ना, हाँ सर सॉल्व कर लिए, सॉल्व भी कर लिए ना, आ जाएगा जो आएगा वो 60% की वैल्यू होगी, ध्यान देना, तो वहां से निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
इसको बताइए, इसको देखिए कौन बताता है, इसमें डेटा सब सारे सारे मौजूद है ना, हो जाएगा ना डेटा, कहीं क्वेश्चन है कि बताना पड़ेगा, हो जाएगा। बताइए, पढ़िए अच्छे से क्वेश्चन को, तो इसके बाद रेशियो क्वेश्चन है, अभी जाना नहीं है, आराम से बैठे रहिएगा, कुछ रेशियो क्वेश्चन बता दूंगा, उसके बाद फिर आप लोग जब थक जाइए बता दीजिएगा, आराम करिए, कल आराम से रेस्ट करिए, परसों आराम से पेपर दीजिए। इन 2011 तो डेटा हम चेक कर लेते, थोड़ा से पढ़ लीजिएगा आप लोग, सॉल्व करिए सभी लोग, ये आपके लिए होमवर्क हो गया है। सर ई ऑप्शन है आंसर। यस सर, ई पता ही नहीं चल रहा है कितना रिपोर्ट्स है, क्योंकि वैल्यूज हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे उसे, लेकिन हम एक ही ईयर की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये कर सकता है सर, हमारे पास वैल्यू तो नहीं, लेकिन हम एक सेम ईयर की बात कर रहे हैं, परसेंटेज में, परसेंटेज में आंसर आ सकता है, एब्सोल्यूट आंसर नहीं, परसेंटेज में आंसर आ सकता है, कट जाएगा वो जी सर, हाँ ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज में आंसर आ सकता है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर एक ही सेम ईयर की बात कर रहा है, किसी और से कंपेरिजन थोड़ी कर रहा है कि इनसे कितना इनका ज्यादा है, ये थोड़ी कर रहा है, या कोई किससे कितना कम है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होते तब तो हमको पर्टिकुलर वैल्यू जरूरत पड़ती, जब एक ही रेशियो पे काम कर रहे हैं, एक ही ईयर पे काम कर रहे हैं, वो परसेंटेज निकालना तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम वैल्यू कुछ भी मान लें, एक्स मान लें, वो परसेंटेज निकालेंगे, एक्स यानी कहीं कैंसिल हो जाएगा, तो 30% आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन कितना कितना है, हाँ कौन बताया है, राइट आंसर, बस और बताइए सभी लोग, 30% आंसर आएगा, बिल्कुल राइट, सॉल्व करें सभी लोग, क्या दिक्कत है, अब हम आप हमको ये बताइए 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 आप हमको ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने, जरा बताइए कितने मानेंगे आप, रेशियो आप जो दे रखा है 18 मान सकते हैं, आसानी से हो जाएगा, जो भी आप देखिए कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, देखिए टोटल नंबर ऑफ वोट्स और टू वैलिड वोट का रेशियो कितना दे रखा है, टोटल वोट का ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ वोट हो गए, और जो वैलिड वोट है इन दोनों का रेशियो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 5:4। अब ध्यान दीजिए आप लोग, अच्छा 2011 की बात कर रहा है, और 2011 अगर देखा जाए, देखिए कहाँ चला गया, ये 5:3 की बात चली थी, 5 ये 5 यूनिट ये 3 यूनिट है, यही तो है आपका, बताइए यहाँ पे टोटल लोड हम कुछ भी मान सकते हैं, मान ले देखिए अगर मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँ, देखिए ये दोनों मिलाकर जरा यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे दोनों मिलाकर के अगर x माना जाए तो 5x 3x 8x बन रहा है, 8x बनेगा, 8 का मल्टीप्लाई जाएगा, मान लेते हैं अगर मैं इसको डिवाइड हो जाएगा, हां अगर मैं इसको मानता हूं, देखिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो मैं अगर इसको इस तरह लिखूं 8:10:8 मान लूं, तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, रेशियो तो वही रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या इससे, कोई नहीं फर्क पड़ेगा, तो अगर इसको मैं मानता हूं कि टोटल आपका 10x है और इसमें से वैलिड कितने हैं आपके टोटल मिला करके 8x, और जब बताइए अब आपसे पूछा है कि क्या 3x, तो लगा दो दीजिए टोटल वोट का फीमेल कितना वाली, जरा बताइए 3/10, अगर यहाँ इनकी बात की जाए, इनकी बात की जाए कितना है 3x, ये 5x, ठीक है किसी भी कुछ भी ले लीजिए आप, तो किसका निकालना है 3 फीमेल का निकालना है ना, और टोटल वोट ठीक है फीमेल का टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, मैं 3x मानता 10x मानता परसेंटेज निकाल लेता कितना आ जाएगा 30% हमारा टोटल आता। आप खुद जरा सोचिए इस बात पे कि एक ही टोटल रेशियो क्या हमारे पास 5 फीमेल है 3 दोनों है, दोनों को मिला करके फिर वैलिड का दे रखा, तो कहीं कोई अलग चीज निकालनी है क्या, अगर हम एक से शुरू करते मान लेते हमारा वोट 5x है 3x, तो हमारा कितना हो जाता टोटल वैलिड वोट निकल नहीं जाएगा, तो 5:4 दे रखा टोटल और वैलिड का दे रखा, हम 10x बना लिए, हमने कहा 10x हमारा वैलिड है टोटल है, 8x हमारा वैलिड है, 8x में 3x हमारा फीमेल है, तो फीमेल और 3x और टोटल हमारा इतना रेशियो निकाल लेंगे हम, तो ये क्वेश्चन आप लोग गलती कर सकते हैं यहाँ पे, ये वाले क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था 30%, मुझे लगता है कि सबको क्लियर होगा।